हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर मैं उबाल रही हूँ कॉर्न। तो उसमें मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी एंड थोड़ी सी चीनी, ताकि मार्केट वाला उसका कलर आए। जब हम मार्केट में खाते हैं तो उसका कलर वैसा ही होता है। तो यहाँ पर मैं कॉर्न उबाल रही हूँ और एक गैस पर मैंने मेरे लिए हॉट वाटर रख दिया है, ताकि वो भी गर्म हो जाए। तो पहले मेरा पानी पी लूँगी। तो यहाँ पर कॉर्न जो है हमारा उबल चुके हैं और यहाँ पर मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। तो पानी मेरा ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक जो है वो कॉर्न उबल चुके हैं वो मैं ले लूँगी। आज मैं लंच बॉक्स में उससे ये कॉर्न मसाला बना कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न ले लिए है और यहाँ पर मैं चीज़ के स्लाइस है वो मैं डाल रही हूँ। मेरे पास वो क्यूब वाला चीज़ आज पूरा हो चुका था, तो मैं स्लाइस के टुकड़े कर कर डाल रही हूँ। आपके पास जो क्यूब हो तो वो क्यूब ही डाले, वो जल्दी से मेल्ट हो जाता। और यहाँ पर मैं कर लूँगी मसाला। मैंने डाला है थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, इन डाल दिया है मैगी का मसाला और ऊपर से आधा नींबू का रस। ये मैगी मसाला वाला कॉर्न बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। मैगी का फ्लेवर कॉर्न में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, मैगी मसाला वाला कॉर्न बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो हमने अच्छे से फिर उसको मिक्स कर देंगे, ताकि जो चीज़ हमने डाला है वो पूरा मेल्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे लंच बॉक्स, उसके अंदर मैं ये पूरा जो मसाला किया है वो कॉर्न मैं डाल दूंगी उसके अंदर। तो पूरा का पूरा मैं डाल दिया है। यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स रखती हूँ रोज़ डेली। तो यहाँ पर मैंने आज रखा है बनाना और एक रख दूंगी स्पून। तो ये आज का लंच बॉक्स मेरा रेडी है। तो अब मैं यहाँ पर मेरा पानी भी जो रखा था ठंडा होने के लिए थोड़ा वार्म हो गया है, तो वो मैं पी लूँगी, कि गुनगुना पानी है तो वो मैंने पी लिया है मेरा पानी। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो लंच बॉक्स है वो मैंने यहाँ रख दिया है, ताकि मेरा बेटा है जो वो यहाँ से ले लेगा। अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं मेरे लिए मूंगफली के दाने हैं वो तल लूँगी और जो बची है वो मैं डिब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो आज मैं ये मूँगफली के तले हुए दाने हैं वही चाय में खाऊँगी। तो अब पहले कर लेते हैं चाय नाश्ता, फिर करते हैं किचन में सफाई। भी नाश्ता लंच बॉक्स बनाया है तो पूरा फैला पड़ा है। तो पहले अपना चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर सब करते हैं। तो करते हैं चाय नाश्ता। अब पहले बैठ कर पी लेंगे चाय गर्मा गर्म। Sometimes it is justice, sometimes you're free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't... Hello. तो काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। हो गई दोपहर, खाना भी बन चुका है। तो मुझे बालों में शैम्पू करना था, तो शैम्पू भी कर लिया है। सोचा थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो खाना बन चुका है, तब तक मैं सोच लूँगी अपने बाल, कंघी कर लेंगे, सुखा लेंगे। सोचा थोड़ी बैठी हूँ तो बात कर लूँ आप लोगों से। आज शाम को जाना है बाल, तो बाल करे है वॉश। कल रात को बाल में ऑयलिंग की थी, तो बाल में ऑयल था तो मैंने बाल वॉश कर दिया है। ताकि बातें कर रही थी आपसे और बीच में आ गया कॉल, तो उसको रिसीव किया तो वीडियो जो कट गया। तो बात कर रही थी फोन पे। अब बाल को सुखा लिया जाए ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। तो हो चुकी हूँ रेडी, बालों में ड्रायर किया ताकि बाल जल्दी से सूख जाए। बस लिप ग्लॉस लगाया है, थोड़ा सा काजल कर लिया, मन फ्रेश हो जाता है। तैयार हो जाती हूँ, तो घर में भी अच्छे से रहना चाहिए ताकि हमारा मन भी फ्रेश हो और सामने वाला भी जो भी देखे उसका भी मन फ्रेश लगे। ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को मैं लेंस लगा के जाऊँ, पर देखते लगा पाऊँगी तो लगाऊंगी। मुझे मन है कि मैं शाम को लेंस लगा के जाऊँ, फिर देखते लगाते हैं कि क्या करते हैं। लगाऊंगी तो दिखाऊंगी, लगती बहुत देर है ना लेंस लगाने में मुझे। देखेंगे, अगर टाइम मिला तो लगाऊंगी ज़रूर। चलो अब बैठती हूँ बाहर, थोड़ी देर टीवी देखूंगी। टीवी में ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन थोड़ी देर चालू करूँगी। तब तक तो आ जाए मेरा बेटा, फिर खाना खा लेंगे। वैसे तो बाल सूख चुके, बीच बीच में थोड़े गीले हैं, तो इस तरीके से हेयर बैंड लगा देती हूँ। अब पूरी तैयार तो हो चुकी हूँ, थोड़ा सा सिंदूर लगाया जाए ताकि लगे कि पूरा तैयार हो जाए रेडी। कभी कभी मन हो जाता है कि
के पूरा रेडी हो जाए। तो मैंने लगा लिया है सिंदूर, भले ही घर में रहे लेकिन फिर भी तैयार होके रहे, बिल्कुल भी अपने आप को अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए, घर में रह के भी अच्छे से रहना चाहिए, बिल्कुल भी अपने आप को अस्त व्यस्त ना रखे। हाउसवाइफ है तो क्या हुआ, अपने आप को अच्छे से रखना चाहिए। मैं रूम में लाइट्स बंद करना भूल गई, फैन चालू है, लाइट्स चालू है, अभी बंद कर देती हूँ। रेडी हो चुकी है, बैठते हैं बाहर। भूल गई थी आपसे बातें करते करते, मैं आ गई ऐसे ही बाहर, तो अभी बैठते हैं, मिलते हैं शाम को। किन किन लोगों ने ये खाया है, किन किन को ये पता है कि ये क्या है, खाया है आप लोगों ने ये, पता है किस किस को पता है ये क्या है। इसको ऐसे ही खाया जाता है, इसकी सब्जी बनती है, क्या बोलते हैं इसको, हमारे गुजराती में बोलते हैं इसको कोठिंबा, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में। इसकी सब्जी भी बनती है, एकदम खट्टा मीठा होता है। खट्टा एंड मीठा फ्लेवर होता है, क्या बोलते हैं पता नहीं है मुझे, हमारे गुजराती में इसको कोठिंबा बोलते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, ऐसे ही खाया जाता है इसको, एकदम खट्टा मीठा फ्लेवर होता है। बहुत ही मस्त होता है। किस किस ने खाया है और किस किस ने नहीं खाया है, और इसका नाम क्या और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आप जरूर बताना कमेंट करके कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। बजे है 3, अभी कर रही हूँ बैठ कर एडिटिंग, क्योंकि शाम को भी रात को भी बाहर जाना है, शाम को 7 बजे भी बाहर जाना है, उससे पहले भी मार्केट जाना है मेरी देवरानी के साथ, उसके लड़की के लिए नवरात्रि के चनिया चोली लेने हैं। तो फिर एडिटिंग कब करूँगी, रात को भी हम लेट से आएंगे घर पर, रात को भी जब आएंगे 11 बज जाएंगे, क्योंकि बाहर खाना खा कर आएंगे, और वहाँ पर अगर पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी चनिया चोली की, कैसे कैसे चनिया चोली है तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी चनिया चोली, अगर लेंगे तो, नहीं लेंगे तो भी थोड़ा सा शूट करूँगी किस किस तरीके के चनिया चोली है, आपको दिखाऊँगी ज़रूर। मिलते हैं फिर बाद में, एडिटिंग का काम पूरा कर लिया जाए फिर मिलते हैं। हेलो, बजे है 4:15, अभी खा लेंगे फ्रूट एक। तो मैं तो यहाँ पर कर रहे थे हम थोड़ी सी मस्ती, यहाँ पर हम चश्मे की टेस्टिंग कर रहे थे, क्योंकि हमें जाना था मार्केट तो मैं घर से लेकर नहीं गई थी। पूरी नजर वाली है, तेरा मुंह काला। Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, to say the words you remember. Now we. मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अब निकलते हैं। जल्दी जाना था लेकिन फिर भी देर हो चुकी है, मैं जाना था थोड़ा घूमने लेकिन देर हो गई है, बज गए 8, तो हम घूमने जाने वाले थे लेकिन वो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा काम निकल आया था मेरे हस्बैंड को, तो अब हम सीधा खाना खाने ही जाएंगे। तो 8 बज चुके, अभी निकलेंगे तो 8:30 बज ही जाएंगे। आज मैंने फिर से बीच में से, मैंने एक बार निकाली मुझे अच्छा लगता था तो मैंने फिर से आज बीच में से ही मांग निकाली है बस, तो हो चुकी हूँ रेडी। तो ये वाली स्टाइल मुझे अच्छी लगती थी, पहले मुझे लगता था कि मुझे सूट नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार मैंने ट्राई किया तो लगता है कि अच्छा लगता है, तो मैंने आज फिर से वही से बीच में से मांग निकाली है, वरना मैं पहले कभी बीच में से मांग निकालती नहीं थी, इस बाजू से ही निकालती थी साइड में से, लेकिन एक बार मैंने निकाला तो मैंने देखा वीडियो में कि अच्छा लगता है, तो फिर मैंने आज भी बीच में से मांग निकाली है। दोनों बाप बेटे अभी तैयार हो रहे हैं और मैं तैयार होकर सोफे पे लेट चुकी हूँ, जल्दी करो अभी जल्दी करो, दोनों तैयार हो जाए तो हम निकले, उल्टा है हमारे घर में, मैं रेडी होकर बैठी हूँ और वो दोनों तैयार हो रहे हैं अभी, तो मैं बैठ बैठ कर यहाँ पर लेट गई सोफे पे, जब तैयार हो जाएंगे तब निकलेंगे, तब तक यहाँ पे फैन चालू और मैं पंखे में लेट गई हूँ, जब बोलेंगे कि तैयार हो गई है तो अब जाएंगे। तो यहाँ पर पहुँच चुके हम होटल पे, ये है गार्डन होटल, इस होटल का नाम है विराम होटल। तो यहाँ पर बैठने के अंदर भी सीटिंग है, लेकिन जब गर्मियाँ होती है तो हम लोग यहाँ गार्डन में ही बैठते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए हम बाहर ही बैठे हैं गार्डन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक